So, SAS congruence rule. Now, first we will read out the definition. कि if under a correspondence, key focus here, जो मैंने अभी बताया था, two sides and the angle included between them. समझ में आया? Two sides and the angle included between them, इन दोनों के बीच में, of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them. Means, जब हम दूसरा triangle ले रहे हैं. And again, if we are considering, ये जरूरी नहीं है, अगर हमने left side लिया है, तो यहाँ पे भी left hand side हो. Maybe we can find this side to be equal to this side and this side to be equal to this side. ठीक है? ये भी हमारा same माना जाएगा. लेकिन, हमें angle इसमें ये वाला चाहिए हो. क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दीज टू साइड्स और इसमें वी आर कंसिडरिंग दीज टू साइड्स तो ये एंगल तो आर इक्वल टू टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर हम कह रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर. तो वी कैन से ना कि ए बी सी पी क्यू आर. तो ए बी इज इक्वल टू पी आर 2 सेंटीमीटर जैसा हम एसएसएस में करते थे. बी सी इज इक्वल टू क्यू आर 3 सेंटीमीटर अगेन एसएसएस. एंड देन वी विल से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर. वो तभी बोलेंगे जब इसका जो मेजरमेंट हमें गिवन है वो हमें सेम मिले. So this is called SAS rule. Moving further, what now we are going to discuss with examples. Given below are measurements of some parts of two triangles. What you have to do, you have to examine whether the two triangles are congruent or not by using, now they are specifically mentioning SAS congruence rule. Now what are they saying? कि इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म मीन्स क्या है? आपको इस टाइप का बनाना पड़ेगा इक्वल टू के ऊपर. क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आपके ये 3 क्वेश्चन हैं. आप अलग अलग पेजेस पे यू आर गोइंग टू लुक फॉर दीज 3 क्वेश्चन. सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? वी आर कंसिडरिंग दीज 2 ट्राइंगल्स. ठीक है? तो ए बी कितना है? ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है. एंड बी सी कितना है आपका? या आगे आपका, तो अभी क्या है, आपके 4 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनमें आपको मैच डाउन करना है. तो दे आर मैचिंग विद ए बी एंड बी सी. सो इसमें आपको क्या मिल रहा है? ए बी आपको 7 सेंटीमीटर मिल रहा है. ये आपको कौन सा ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑल दिस. आपको पहले इस ट्राइंगल के बारे में बता रहे हैं कि इसमें ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी जो है डेट इज ऑफ 50 डिग्री. तो हमने ये 2 साइड्स ली, इनके बीच का एंगल. क्लियर? नाउ दे आर सेइंग कि हमें किससे कंपेयर करना है? हमें ट्राइंगल डी ई एफ से करना है. हमें वो वाला ट्राइंगल अभी नहीं देखना है. सो डीई क्या है? डीई है 5 सेंटीमीटर, ई एफ क्या है? 7 सेंटीमीटर और एंगल ई कितना है? 50 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज 50 डिग्री. हाँ, सो हम क्या कह सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू ई एफ, क्योंकि दोनों हमें क्या मिल रहे हैं? 7 सेंटीमीटर के. And then we can say BC is equal to DE because यहां पे भी we are getting 5 सेंटीमीटर. Now इन 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहां पे जो एंगल AB बन रहा है that is of 50 डिग्री और यहां पे जो एंगल बन रहा है this is of 50 डिग्री. ठीक है? और फिर वही हमारे जो वर्टेक्स पॉइंट्स हैं वो मीट कर रहे हैं B with E and C with F. So we have proved that the angle between the 2 equal sides
is of same measurement, then with the help of SAS congruence rule, we can say these two triangles, triangle ABC and triangle FED, are congruent to each other. ठीक है, तो इसमें अब आप ये देखें कि हमने जब हमने ट्राइंगल, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन करा था लास्ट में, जिसमें हमने ये करा था कि विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू राइट इट. तो यहां पर भी आप इस बात का ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं ए बी सी एंड देन हम क्या कह रहे हैं एफ ई डी. ठीक है, सो क्योंकि तभी हमारे 50 डिग्री मैच कर रहा है. सो ये हमने इस ट्राइंगल का प्रूव कर लिया. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज देयर, अगेन देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ. अब इसमें क्या कर रहे हैं, ए बी इज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर और जो आपका ए सी है दिस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. ठीक है, और एंगल ए, नाउ दिस इज द एंगल, दिस इज ऑफ 60 डिग्री. नेक्स्ट जो हमें फिगर है उसमें क्या है, जो हमारा डीएफ है वो 4.5 सेंटीमीटर, जो डी है वो 4 सेंटीमीटर एंड ईएफ इज आल्सो 4 सेंटीमीटर. अब स्टार्ट प्रूविंग, हम क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डीएफ या एफ डी. ठीक है, या हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू डी. ठीक है, ओके, ये हमें दो साइड्स तो इक्वल मिल गई हैं. नेक्स्ट, अब जो एंगल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं दिस साइड विद दिस साइड, तो इसमें हमें मींस हमारा क्या आ गया, हम इसको किससे करेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ए बी को, ए बी को हम कर रहे हैं विद डी एफ. और फिर अगर हम ए सी ले रहे हैं तो ए सी को वी आर कंसिडरिंग विद, अगर हम चलो ये ले लेते हैं, ये भी दोनों के साथ मैच कर रहा है. सो अगर हम ये दो इस टाइप से सेगमेंट ले रहे हैं तो इनके बीच का एंगल, यहां पे आई एम गेटिंग 60 डिग्री बट हियर आई एम गेटिंग 55 डिग्री, है या नहीं है. एंड अगर इफ आई वॉन्ट टू करेस्पॉन्ड विद, क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर है, इफ आई वॉन्ट टू कंसिडर डी एफ विद ई एफ, तो इसके बीच का जो मेजरमेंट है डेट इज अननोन, है या नहीं है. हमें इन दोनों के बीच का मालूम है 60 डिग्री बट आई डोंट नो द एंगल एफ का मेजरमेंट. तो कैन आई से दिस टू बी इक्वल, नो, क्योंकि जब हमें यहां मिल रहा है तो ये 55, ये 60, और इफ आई वॉन्ट टू कंपेयर विद दिस देयर इज नो मेजरमेंट. सो क्या वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर क्या congruent? No. So we cannot say that the triangles are congruent. Clear हुआ? One more question is there. अब ये question में देखें, I have not drawn any picture for you. क्योंकि आपको ये practice भी करनी है कि आपके सामने ये measurement है, how can you draw on your own? So two figures I have drawn. Now we are going to draw together. So BC, AC angle B का measurement है. तो this means ये triangle क्या हो गया? ABC. तो एक छोटा सा ट्राइंगल हम बना लेते हैं ए बी सी. ठीक है, नाउ इसमें हमें क्या पता चल रहा है, बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है. ये 6 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है. वेरी गुड. नेक्स्ट, एंगल बी का मेजरमेंट हमें 35, ये 35 डिग्री हमें मिल रहे हैं, ये दो सेगमेंट का मेजरमेंट, और हमें एंगल क्या मिल रहा है, दूसरा. ओके, लेट अस गो विद द नेक्स्ट ट्राइंगल. अब ये हमें देखने से लग रहा है ये हमारा ट्राइंगल होगा डी ई एफ. ठीक है, सो ये हमारा आ गया ट्राइंगल डी ई एफ. सो कभी कभी यू विल नॉट गेट द पिक्चर, सो यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन एंड हैव टू ड्रॉ. नाउ डी एफ कितना है, डी एफ इज 4 एंड ई एफ कितना है, 6. ठीक है, और एंगल ई कितना है, 35. सो देखें
ये भी 35 है, ये भी 35 डिग्री है. सो वी आर गेटिंग द सेम मेजरमेंट ऑफ दीज एंगल्स, बट क्या जो हमें दो साइड्स मालूम है उनके बीच के एंगल का मेजरमेंट डू वी नो? नो. तो वही जो मैंने, इफ यू रिमेम्बर इन द वेरी बिगनिंग आई एक्सप्लेन यू कि हमें जो दो सेगमेंट्स दे रखे उसके बीच का एंगल का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है, देन ओनली वी कैन प्रूव एस ए एस. दो वी आर गेटिंग वन एंगल टू बी इक्वल, बट इट इज नॉट कमिंग इन बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो वी कैन नॉट से दैट द दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना. और इसका जो मैंने अभी थोड़ा ओरल समझाया, ऑल दिस थिंग आई हैव रिटन इन डिटेल. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. अगेन आपके साथ हम फिगर बनाएंगे टू गेट द मोर अंडरस्टैंडिंग पार्ट. तो दे आर सेइंग कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. सो कैसा होगा ट्राइंगल, थोड़ा सोचे, कोशिश करें बनाने की. ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है. एंड वॉट आर दे सेइंग, ए डी इज द बाइसेक्टर. तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर. ये आ गया बाइसेक्टर. तो इफ यू आर सेइंग ए डी इज द बाइसेक्टर, इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, वॉट इज द मीनिंग हियर, क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू सी डी, है ना, आ गया है ना सेम. डेट्स वाई मैंने खुद बनाई, सो डेट जब बाइसेक्टर का नाम है यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन. ठीक है. तो नाउ ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. तो मीन्स क्या है, ये जो एंगल ए है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइडिंग एंगल ए, क्योंकि दे आर सेइंग बाइसेक्टर. स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए डी बी. तो आप कर सकते हैं ना, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, और ये हमें दे रखा है, दिस इज कॉमन, और ये आ गया. क्लियर, ये आप कर चुके हैं पहले भी. ठीक है. ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी, इज ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी. अब ये तो आप सोचिए, हम लोग ये कर चुके हैं, है ना. सो इसमें लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऐसे प्रूव करना है. तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये, क्या हम ये वाली साइड कंसिडर कर रहे हैं एंड वी आर कंसिडरिंग दिस साइड, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने सिंपल कहा ए डी इज द बाइसेक्टर. दिस मीन्स दिस मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट विल बी इक्वल. ये हमें दे रखा है दिस इज इक्वल, दिस मीन्स वी हैव टू कंसिडर दिस दीज टू एंगल्स. इज दिस थिंग क्लियर टू यू. सो हम ऑलरेडी वी हैव प्रूव बिफोर इन प्रीवियस सेशंस, बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल तो बेस एंगल्स विल बी इक्वल. तो अब आपका ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगा कि क्या, कि हम क्या कहेंगे ए डी, इसको कैसे कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवेन, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवेन एंड देन बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी आ गया. एंड देन वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. और क्यों ये है, ये गिव रीजंस, यू नो इट प्रेटी वेल, है या नहीं है. तो अब हमें क्या हो गया, बाय एस ए एस रूल वी कैन प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न अबाउट द रूल एस ए एस, साइड एंगल साइड. इन द नेक्स्ट सेशन विल डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. टिल देन नाइस रिविजन ऑफ दिस पार्ट. बाय.